खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। शहर की नवनिर्वाचित महापौर परमिला पांडे और 110 पार्षदों को कानपुर मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित महापौर परमिला पांडे ने देश की सर्वप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल काम किए और आगे भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उसका पूरा करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विशेष अतिथि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्य उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपने उद्बोधन में पहले तो नवनिर्वाचित महापौर और सभी 110 पार्षदों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, पिछले 5 साल में कानपुर शहर का स्वरूप अच्छा हुआ है। कानपुर महानगर स्वच्छ सुंदर हो और इसकी पहचान पूरे देश में एक नंबर पर हो, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आपको बता दें कि शहर की 18वीं महापौर के रूप में परमिला पांडे ने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। उन्हें मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने शपथ दिलाई। इस बार नगर निगम सदन में भाजपा के ज्यादा पार्षद पहुंचे। पहले सदन में पार्टी के 58 पार्षद थे, जबकि इस बार इनकी संख्या 63 है। माता जी, पुनः विजय हुई है, कैसा लग रहा है, क्या आगे उद्देश्य रहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की जनता ने हमको फिर दोबारा विश्वास किया है। जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जो भी काम उनका होगा। कानपुर महानगर को नगर निगम सरकार के रूप में एक नया वोट मिला है, एक नई महापौर जो पुराने 5 साल से सेवा कर रही थी वो मिली है, 110 नए पार्षद मिले। मैंने केवल ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता जिस समय आपके प्रति विश्वास व्यक्त करके आपको चुनती है तो आपकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है और उस जिम्मेवारी को जनता के प्रति समर्पित भाव से निभाना चाहिए। जनता की अपेक्षाएँ होती हैं, हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष के अंतर्गत जिस प्रकार से कानपुर ने एक अच्छा सुंदर शहर का स्वरूप लिया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए कानपुर महानगर सुंदर हो, स्वच्छ हो और कानपुर महानगर की पहचान पूरे देश में पहले नंबर के ऊपर हो, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। माना जी, अभी किसी चीज़ की कमी रहेगी कानपुर? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर नगर निगम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे विकास एक नया चलने वाली प्रक्रिया है। आज सड़कें जितनी चौड़ी हैं, कल उससे ज़्यादा चौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा रोज हम घर में साफ करते हैं, रोज उठना चाहिए, नाले नाली की सफाई, सीवरेज की सफाई रोज सिस्टम है। एक नया अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। कानपुर महानगर में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने को बाकी है। कानपुर महानगर एक अच्छा और सुंदर स्वरूप ले, इस नाते से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।